फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पुराने टेबल कवर को आप इसको रीयूज कर सकते हैं कुछ और बनाकर। मैं टेबल मैट्स इसे ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। सबसे पहले जितना आपको इसका टुकड़ा चाहिए उतना स्क्वायर काट लेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा टुकड़ा काट लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको चौकोर काट लूँगी स्क्वायर शेप में, ताकि हम मैट बना पाए। करने के लिए एक कोना इसका पकड़ के और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये ट्रायंगल बन जाएगा बराबर तो स्क्वायर भी इससे निकल आएगा, और जितना एक्स्ट्रा हो उतना हटा दीजिए। जैसे ये पोर्शन एक्स्ट्रा है तो इसका ये पोर्शन हटा देंगे। जब इसको खोलेंगे तो देखिए स्क्वायर शेप में आ जाएगी। अब इसको आप ट्रायंगल्स मोड़ते जाएंगे, तो पहला फोल्ड करेंगे, इसके बाद इसे दूसरा फोल्ड करेंगे बराबर, इसे कोने मैच करने के लिए, और एक बार और मतलब तीन बार टोटल, थ्री टाइम्स आपको फोल्ड करना है। वन टू एंड वन मोर थ्री। आपको ये कोशिश रखनी है कि जो इसका टॉप हिस्सा है वो आपकी राइट साइड में आए, और जो ये बंद हिस्सा है, ओपन वाला नहीं, जो बंद हिस्सा है वो आपके सामने हो। फिर आपको जिस शेप में काटना है उस शेप में इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। अगर आपको हार्ट बनाना है तो हार्ट बन सकता है, और नहीं तो दो राउंड्स लेकर आप कटिंग करना चाहते हैं। तो जैसे ये इक्वल नहीं है तो इसको हम थोड़ा बराबर कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कट करेंगे ताकि फ्लावर और थोड़ा डीप बने। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा काट लेंगे, देखिए आपका मैट तैयार हो गया टेबल मैट। इस तरह से आप कोई भी डेकोरेटिव पीस लेकर आप इसमें इसको ग्लू भी कर सकते हैं। मेरे पास एक यूवी पाइप है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें चिपका सकते हैं। ये देखिए मैंने पाइप के टुकड़े काट लिए हैं, जैसे हम चिपका देते हैं। आप और भी डिजाइन बना सकते हैं। ये मैंने वेस्ट का यूज करने के ट्राई किया है। आप भी इस तरह से वेस्ट, अगर आपका टेबल कवर फट रहा हो या खराब हो चुका है या आप उसको फेंकने की सोच रहे हैं, तो कैन मेक द स्मॉल फ्लावर्स। आप अपने फ्लावर्स बना के भी उसको री यूज करके दोबारा एक सुंदर सा टेबल बना सकते हैं। इट लुक नाइस ऑल्सो, और यूज का यूज भी हो जाएगा। Thank you.